हरियाणा की, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से ही लगातार आलाकमान समीक्षा कर रहा है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को इन मुद्दों पर लगातार घेर रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कई मुद्दों पर हमला बोला। कांग्रेस की करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले की तैयारी में है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेसियों की उछल कूद अब बंद हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बदलना उनका अंदरूनी मामला है, वो जो मर्जी करें। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद हार की मंथन के लिए खड़गे द्वारा बुलाई गई मीटिंग में सुरजेवाला और शैलजा को नहीं बुलाया गया। उस पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिनकी चुनाव में शरारतपूर्ण भूमिका रही होगी सिर्फ उन्हें ही बैठक में बुलाया गया होगा। अब जो करना करें वो उनकी पार्टी का मामला, किसी को बदलें किसी को ना बदलें। और जो उछल रहे थे उनकी उछल कूद तो बंद हो गई। हाँ, जिनकी शरारत पूर्ण भूमिका होगी उन्हीं को ही बुलाया होगा, इनकी नहीं होगी, ठीक होगी इनकी। प्रदेश भर में शैलजा समर्थक अपनी हार का ठीक रहा हुड्डा पिता पुत्र पर फोड़ रहे हैं। उसको लेकर अनिल विज ने कहा कि ये ठीक है कि पहले तो शैलजा के समर्थकों को टिकट नहीं दी गई और फिर जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़े किए गए वहां उनके सामने रिबेल खड़े कर दिए गए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको हराने की कोशिश की गई। हाँ, ये तो नजर आ रहा था, पहले तो शैलजा के बंदों को टिकटें नहीं थी, जहां टिकटें थी वहां रिबेल खड़े कर दिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको हराने की कोशिश की गई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर हरियाणा में हुई हार का विश्लेषण करने के साथ साथ हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा। तो विज ने हरियाणा के कांग्रेसियों को मिट्टी का शेर बताया और व्यंग करते हुए कहा कि ये शेर सिर्फ जलेबियां खाते हैं और कुछ नहीं खाते। हाँ, मिट्टी के शेर हैं वो, और सिर्फ जलेबियां ही खाते हैं आप और कुछ नहीं खाते। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस की हार शायद पार्टी को भी नहीं पच रही है, क्योंकि जिस तरह से जीत के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी उसके मुताबिक कहीं भी पार्टी को रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे में पार्टी आलाकमान समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई है। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, टोटल टीवी।